संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो विस्तार से बताता सह वेदवित वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद गणपत ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको अक्सर पुरुष बोलते हैं, यो पेड़ होता है। अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, थोड़े से सद ग्रंथों को भी हम साथ साथ देखें तब आगे चलेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, हिंदी में अनुवाद किया इसने। अध्याय नंबर 15 का ये देखिएगा, श्लोक नंबर 1 अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, पंचदशो अध्याय मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानि स य तम वेद स वेदवित। यहाँ देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी ऊपर को जो जड़ हैं वो तो मूल तो समझो, वो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है उस संसार रूपी वृक्ष का। और अधशाखम, अधशाखम नीचे को, इन्होंने यहाँ क्योंकि ये विचलित थे अनुवादकर्ता, इनको सही अनुवाद नहीं करना आया, अध का अर्थ लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले है तेरे ही। अध माने नीचे होता। देखिएगा ये श्लोक नंबर 2 है, 15वें अध्याय का, इसमें अध चय ऊर्धव अध, इसमें 2 बार अध शब्द है, अक्षर है। अब इसको देखिए इनका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने, अध माने नीचे, स्पष्ट है इन्हीं का किया, अध माने नीचे, अध माने नीचे, ठीक है। तो यहाँ भी हम नीचे ही कहें तो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा, 15वें अध्याय का हम फिर प्रथम देख रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम, इसमें लिखना था ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले जड़ वाले, अध शाखम नीचे को शाखा वाले, अध शाखम नीचे को शाखा वाले, अध माने नीचे लिखना था, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, अरिब देखना कहे गए हैं, तम उस संसार रूपी वृक्ष को, यह माने जो पुरुष वेद माने मूल सहित तत्व से जानता है, यह वेद जो मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक जो जानता है, स वेदवित, संस्कृत साथ पढ़ो जब समझ में आओगी, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है, वो सही ज्ञान को जानने वाला है। अब इसमें पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है,
और इसके छंद यानी विभाग पत्ते आदि सब विभाग हैं। और यह जो यह माने जो तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को उस संसार रूपी वृक्ष को जानता है, वेद माने जानना, यह तम वेद जो इसको जानता है ऊपर को जड़ नीचे को शाखा कौन है पत्तों तक बता देगा, उसके न्यारे विभाग सहित बताएगा। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। अब इससे पहले ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र दिखाते हैं आपको, इससे समझना होगी आपका सारी कहानी। ये देखिएगा, ये पूरा ये समझिएगा, ये जमीन से बाहर नजर आता है, इसको समझो पेड़ बोलते हैं। जमीन के अंदर गुप्त जो जड़ हैं वो प्रोक्स होती हैं, अनविजिबल होती हैं, और ये विजिबल होता है बाहर जो भी तना है, ये मोटी डार है, ये तीनों शाखा हैं और ये पत्ता है, पत्ते हैं। तो परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष, ये तना तो है अक्षर पुरुष और इसमें से मोटी डार निकली है, ये है सर पुरुष, सरब्रह्म कहो, अक्षर सर पुरुष कहो, ज्योत स्वरूपी काल कहो, ब्रह्म कहो। और इसकी इसके फिर आगे तीन शाखाएं हैं, इस काल के तीन पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और हम यहां पात्र रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, ये सर पुरुष को, सर ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, काल को कहा है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पातरूप संसार। और ये जो गुप्त रह गया ये कौन है, ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये ऊपर को जड़ वाला परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये कबीर देव है, ये जड़ रूपी, ये समझो ये कबीर देव है, ये जो है ये परमात्मा जड़ जो है, सब जहाँ से सबको आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करता है, सबका कर्मानुसार जिसका संस्कार देता है, वो पूर्ण परमात्मा ये कबीर देव है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म भी इसे कहते हैं। ये देखिएगा फिर परमात्मा ने बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। पुण्यात्माओं, आज तक हमें जो भी ज्ञान प्राप्त था वो बिल्कुल व्यर्थ था, जब तक आप जी ने ये ज्ञान दास से नहीं सुना। इससे पहले कोई भी किसी भी पंथ में है, चाहे को किसी मजहब से संबंधित है, उसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। जबकि हमारे सदग्रंथ सभी ज्ञान को बता रहे हैं, पहले लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें वो बता भी डिटेल नहीं दे सके, उसकी अच्छी तरह समझा नहीं सके। तो अब आपने क्या देखा कि परमात्मा ने ये बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। अब गीता जी को पहले पढ़ें 1-4, उसके बाद फिर हम गीता जी 15वें का 1-4 श्लोक आपको पढ़ते हैं दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे। उसके बाद 16 और 17 में तीनों भगवान, ये सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों की डिटेल आपको आसानी से समझ में आओगी। पुणात्माओं, ये सत्यनारायण कथा है, सत्यनारायण माने अविनाशी, ये सत्यनारायण कथा है अविनाशी परमात्मा की जानकारी। और इस सत्यनारायण कथा के सुनने से आपकी आत्मा में बहुत शक्ति आती है। कुछ पाप ऐसे हैं आप जी के जो इस सत्यनारायण कथा के सुनने से नष्ट होते हैं, नाश होते हैं, इसका सुनना भी बहुत आवश्यक है, ये ज्ञान यज्ञ है। ये वही गीता है और इसको देखिए 15वां अध्याय आपने एक तो पढ़ लिया, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला
ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, यहाँ लिखना था ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर जड़ वाला मूल वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसको अविनाशी कहते हैं और वेद जिसके पत्ते कहे गए। और जो उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति जड़ से लेकर सब टहनियों पत्तों तक जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। गीता ज्ञान दाता कहता मैं पूरा नॉलेज नहीं रखता उस संसार रूपी वृक्ष और पूरे दातम ज्ञान के बारे में, वो तत्वदर्शी संत से सुनो। अब देखो दो में, उस संसार वृक्ष की यानी संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल से बड़ी हुई नहीं, ये विस्तृत बड़ी हुई विस्तृत फैली हुई विषय पर वाला, ये संस्कृत भी साथ देखो, विषय पर वाला शाखा, विषय भोग रूप कोपल मनुष्य देवत्रिक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये विषय पर वाला विषय विकारों की शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, अध च ऊर्ध्व, नीचे और ऊपर ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधन वाली भी ये मुख्य कारण है, जो नीचे और ऊपर व्याप्त है, सभी लोकों में नहीं है। अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसके लिए कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही काफ़ी होता है, इशारा ही काफ़ी होता है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद, ये देखिएगा, ये जो श्रीमद् देवी भागवत है यानी देवी पुराण है, इसमें संस्कृत भी साथ है, क्योंकि हिंदी टीकाकर्ताओं ने बहुत से तथ्यों को ना समझने के कारण छोड़ दिया, प्रकाश में नहीं लाए वो। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से छपी है बम्बई 4। अथ श्रीमद् देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। और अब देखो यहाँ ये है देवी भागवत और देवी भागवत 11 पृष्ठ और इसका है बासा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। अध्याय 5 का यो 8वां श्लोक है, 7वां यहाँ समाप्त हो गया, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे मातृ, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप, हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों युक्त किए, सतगुण युक्त किए। अब यहां से फिर संस्कृत और देखते हैं, इसी की हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। यदि 7वां श्लोक खत्म हुआ, 8वां, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है, तमोगुण और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया, और सुविहित किमो सतोगुण हरि और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम। 15वें अध्याय का हमने दूसरा श्लोक पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ाएंगे हम, दूसरे को फिर देखते हैं। ये अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2,
उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूप ये साक्षात्।